इंडियन किचन थीम में आज हम लोग बनाएंगे राजस्थानी मसाला बाटी, जो कि बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। उससे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इंडियन किचन थीम में। तो यहाँ पे मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ और उसमें मैंने डाला है लगभग 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं या जो भी तेल आप खाते हों। और तेल को गर्म हो जाने देते हैं। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 कटे हुए हरी मिर्च और साथ में अदरक, उसको भी मैंने बारीक कट कर लिया है। और इसको अच्छे से हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेते हैं। तो अदरक का हमारा कच्चापन निकल जाएगा, तब तक इसको हम भूनेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। तो 2 मीडियम साइज के प्याज लिए थे मैंने और उसको बारीक कट किया हुआ है। तो ट्रांसलूसेंट होने तक इसको हम भूनेंगे। यहाँ पे देखिए, ये प्याज हमारा ट्रांसलूसेंट हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा कसूरी मेथी, उसको क्रश कर लेंगे हाथ पे, साथ में नमक, थोड़ी सी हल्दी और जीरा पाउडर मैंने लिया है यहाँ पे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून मैं गरम मसाला डाल रही हूँ और इनको अच्छे से भून लेते हैं। एक बार मिक्स कर लेंगे प्याज के अंदर इसको। और यहाँ पे मैंने लिया है फ्रोजन मटर 1/2 कप। तो अभी मटर का सीजन नहीं है, अगर आप कच्चा मटर लेते हैं तो उसको थोड़ी देर पका लीजिएगा, क्योंकि फ्रोजन मटर को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत होती नहीं है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आलू। तो 4 आलू मैंने बॉईल करके मैश कर दिया था, साथ में 1 नींबू का रस इसमें हम निचोड़ देंगे, तो इससे टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। और अभी इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो ये हमने यहाँ पे स्टफिंग तैयार कर ली है हमारी बाटियों के लिए। तो बहुत जल्दी से ये स्टफिंग तैयार हो जाती है। थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर मैं डाल रही हूँ इसमें। तो 3 से 4 मिनट में हमारी स्टफिंग बन के तैयार हो जाती है। थोड़ी सी यहाँ पे कटी हुई धनिया की पत्ती हम ऐड कर लेंगे इसके अंदर और मिक्स करके इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम बाटियों के लिए डो लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 कप गेहूँ का आटा। तो नॉर्मल आटा जो हम घर में यूज़ करते हैं वही आटा है। और साथ में इसमें डालेंगे अजवाइन। तो 1 टीस्पून मैंने अजवाइन लिया है, हाथों पे क्रश करके डाल देते हैं। क्योंकि आटा हमारा बहुत बारीक है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा मोटा करने के लिए सूजी ऐड कर रहे हैं। तो लगभग 4 चम्मच सूजी है। साथ में देसी घी डाल रही हूँ मैं। 7 से 8 चम्मच देसी घी का यूज़ करेंगे, जिससे कि आपकी बाटी जो है वो बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होती है। तो घी मस्ट है मोयन के लिए। साथ में नमक डाला है मैंने और 1/2 कप मैंने यहाँ पे डाला है दही। इन सारी चीज़ों को हम एक साथ पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हाथों से दबाते हुए इसको मिक्स करेंगे, जिससे कि आटे के हर एक दाने के अंदर आपका घी जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। 2 चम्मच घी मैं और डाल रही हूँ। तो घी तो बहुत ही ज़रूरी है, जब भी आप मसाला बाटी बनाएं या नॉर्मल बाटी भी बनाते हैं तो बिना देसी घी के तो वो सॉफ्ट होता नहीं है और टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है। तो 10 से 15 मिनट का हम इसको रेस्ट दे देंगे, जिससे कि आटा हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और जो सूजी हमने उसमें ऐड करी है वो भी फूल जाए। तो 15 मिनट बाद हम ये चेक करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बिल्कुल सॉफ्ट सा हमारा डो तैयार हुआ है। तो जो डो आप बनाइए बाटियों के लिए, उनको बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सेमी सॉफ्ट डो लगा के हम तैयार करेंगे, जिससे बाटियाँ जो बनती हैं वो बहुत ही क्रिस्पी भी होती हैं खाने में और सॉफ्ट भी होती हैं। तो एक छोटा पोर्शन लेते हैं, इनके हम पेड़े बना लेंगे। तो जितनी आपको बाटियाँ बनानी हो उस हिसाब से पेड़े बनाएंगे। तो आज मैं जो बाटी बना रही हूँ उसको कुकर में बनाऊंगी। तो यहाँ पे हम अवन का यूज़ नहीं कर रहे हैं। कुकर में बहुत ही ईजी तरीके से हम बाटियाँ तैयार करेंगे। तो देखिए, इस पेड़े को मैंने एक कटोरी का शेप दे दिया है और इस तरीके से अंगूठे से दबाते हुए एक हम कटोरी का शेप देंगे इसको और इसके अंदर स्टफिंग कर लेंगे। तो स्टफिंग आप आपके अकॉर्डिंग जितना कम या ज़्यादा करना चाहते हैं ले सकते हैं। और अब हम इसको पैक कर देंगे अच्छे से।
तो यहाँ पे देखिए ये बाटी हमारी बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है, बिल्कुल गोल। एक मैं दूसरा बना के आपको दिखा देती हूँ। तो इसको अगर आप कटोरी नहीं बना पा रहे हैं तो इसको नॉर्मल पूरी के शेप में आप चाहें तो बेल भी सकते हैं, और इस तरीके से हाथों से भी इसको शेप दे सकते हैं। तो इस तरीके से एक छोटा हम यहाँ पे पूरी बनाएंगे और उसके अंदर हम स्टफिंग करेंगे। तो सेम प्रोसीजर है जिस तरीके से उसको अंगूठे से ऐसे दबाते हुए हमने पैक किया था, उसी तरीके से इसको भी हम पैक कर लेंगे। और एक्सेस आटा जो भी बचेगा आप चाहें तो उसको निकाल भी सकते हैं और चाहें तो उसको इसी में पैक कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए ये बहुत ही गोल सी हमारी बाटी बन के तैयार हुई है, और बाकी की बाटियाँ भी मैंने इसी तरीके से तैयार कर ली हैं। तो लगभग 10 बाटी मैंने यहाँ पे तैयार की है बना के। और आइए अब हम इसको सेकेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक कुकर, तो नॉर्मल कुकर जो घर में आप यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए वही कुकर है। इसको थोड़ा सा हम मस्टर्ड ऑयल से ग्रीस करेंगे, आप चाहें तो देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है बाटियों में। तो यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल हमने 2 चम्मच लिया था, और उसी तेल से हम इसको सारी बाटियों को इस तरीके से ग्रीस कर लेंगे। इससे क्या होता है बाटियाँ ऊपर से सॉफ्ट सी रहती हैं और थोड़ी क्रिस्पी भी बनती हैं। तो सारी बाटियों को मैंने ग्रीस कर लिया है और इनको हम ढक के पकाएंगे कुकर के अंदर ही। तो यहाँ पे कोई अवन का या कोई हम आग के ऊपर सेकने वाला कोई काम नहीं कर रहे हैं, केवल कुकर के अंदर ही हमारी ये बाटियाँ फटाफट बन के तैयार होती हैं। तो फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे और इनको हम अच्छे से ऑयल से ग्रीस करके और ढक के पकाएंगे। तो 20 मिनट में हमारी ये बाटी तैयार हो जाती है। तो मैं इस पे एक ढक्कन लगा देती हूँ और 10 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ तक की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 10 मिनट हो गए हैं और मैं अब एक बार चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और इनको हम अब फ्लिप कर देंगे जिससे ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से कुक हो जाए। और जब बाटियाँ हमारी फटने लगें तो समझिए कि ये अच्छे से पक चुकी हैं अंदर तक। तो सारी बाटियों को हम फ्लिप कर देते हैं। ऑयल की ग्रीसिंग करने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि बाटियाँ आपकी आपस में चिपकती नहीं हैं। और इसको मैं दोबारा से ढक रही हूँ। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। तो देखिए यहाँ पे बाटियाँ हमारी लगभग सिक चुकी हैं, और जब बाटियाँ देख पा रहे हैं आप कि ये बीच बीच में से फटने भी लग गई हैं, तो यहाँ पे मैं ये बाटी आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। तो ये देखिए कितने सॉफ्टली ये टूट रहे हैं और खाने में भी ये बहुत क्रिस्पी और सॉफ्ट से बन के तैयार होते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। इसको आप चटनी या दाल या किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। नॉर्मली चाय के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है खाने में, क्योंकि इसके अंदर स्टफिंग है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।